दोस्तों, क्या आपको काम पर जाने का मन नहीं करता? क्या आप थके हुए, निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप जीवन में हार मान चुके हैं और अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जेफ केलर की यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एटीट्यूड इज एवरीथिंग शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपना एटीट्यूड को चेंज करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर किसी को अपनी बुक पब्लिश करानी है और प्रमोशन करना है तो कनेक्ट करें। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द नाइट दैट चेंज्ड माय लाइफ। लेखक जेफ केलर 1980 में लॉ स्कूल्स के वकालत करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ के कैरियर में उनको परेशानियां आ रही थी और वे अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रिया और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वह अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो और वे कई सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे वह यूं ही टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नजर एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक। यह घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया कि अपनी सोच और अपने बिलीफ को बदलकर हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेखक जेफ केलर को यह प्रोग्राम बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने कोर्स का ऑर्डर दे दिया। इस कोर्स को करने के बाद लेखक का अपने जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मल विंसेंट और रॉबर्ट स्कूलर जैसे लेखकों की ढेरों किताबें पढ़ डाली। इस नए नजरिए का लेखक के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च किया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया और अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया जो वह हमेशा से पाना चाहते थे। फर्स्ट, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। अपना एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है जिसकी मदद से आप इस जीवन और दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिव नजरिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सोचते हैं, नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। लेखक मार्क और हेनरी नाम के दो लोगों की कहानी के जरिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसके कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेता है और एक ही साथ उन दोनों को खाना भी सर्व करता है। दोनों लोगों ने अपने खाने के एक ही समान इंतजार किया, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत एंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वहीं हेनरी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज और परेशान था। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की के जैसा होता है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जमती जाती है। बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली होती जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं
और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमेरिकन लेखक हुक डाउन्स ने कहा है कि खुश इंसान वह नहीं है जिसकी परिस्थितियां उचित है, बल्कि वह है जिसके पास उचित एटीट्यूड है। सेकंड, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। और नाइटिंगेल का एक कोट है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। लेखक के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को यूनिवर्स में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। यदि आप नेगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, बिल नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वह साल में $100,000 कमा सकता है, इसलिए वह $100,000 कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि बिल अपने मन में इस पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वह ऐसे अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यदि बिल अपने मन में यह नेगेटिव विचार रखता है कि वह साल में $100,000 नहीं कमा सकता तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेखक का कहना है कि आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं, और आपके विचार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। प्राचीन रोमन कवि विर्गिल का कहना था कि लोग कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब वह ऐसा सोचते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। थर्ड, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सिंगर सेलिन डियोन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हजारों लोग उनका कॉन्सर्ट देखने आएंगे, सिंगर सेलिन डियोन ने कहा कि इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1994 जिम कैरी की फिल्म डम डम्बर रिलीज हुई और उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके सफलता की राह को और आसान बना देता है। फोर्थ, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड अर्थात समर्पित रहते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए, डेविड बैल्सी एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नॉवल भी पूरा नहीं कर पाए थे। वह हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नॉवल लिख डाले लेकिन इन सब से वह एक पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नॉवल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी जिसके लिए उन्हें $100,000 की धनराशि प्राप्त हुई। लेखक
जेफ केलर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। फिफ्थ, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते हैं, जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई। लेखक कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें, या फिर उस समस्या से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़े। वह कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह ना देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी यह समस्याएं आवश्यक होती हैं, जो कि एक ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती हैं। सिक्स, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। लेखक कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीफ्स बनते हैं और बिलीफ्स ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, टॉम को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। टॉम पूरे दिन सेकंडों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और धीरे धीरे उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स कैरियर में असफल हो जाता है और इसलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। लेखक कहते हैं कि आपके सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। सेवेंथ, हाउ आर यू। जेफ केलर कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो इसके दो तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब बस कुछ ही शब्दों में देते हैं, लेकिन उन शब्दों से आपके एटीट्यूड का पता चलता है। अगर आप यह कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा भर जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छा ना होते हुए भी पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का आ जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो हमेशा कहें कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप अपने जवाब पर अड़िग रहें, तो आप जल्द ही यह पाएंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे। एट, स्टॉप कंप्लेनिंग। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख और दर्द सुनना नहीं चाहता। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है, इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त आपकी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहते हो, क्योंकि नेगेटिव या बुरी खबरें किसी को भी पसंद नहीं आती। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शिकायत करते हैं,
आप उतनी ही ज्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। विलियम पेन के अनुसार खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वाद को गिने। 9th, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। बाइबल की एक लाइन है, अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ मैन फेस बट व्हाट ही इज रियली लाइक इज शोन बाय द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ही चूजेस। यानी कि एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। लेखक का कहना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने तथा पॉजिटिव बोलने भर से ही आप सफल नहीं हो सकते। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों का ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई सपने, और वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडिया के बारे में बताता है तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन जब माइक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहां उसे नए दोस्त मिले जो जीवन के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही इसके अद्भुत परिणाम मिले। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कॉलेज खत्म करते ही माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। लेखक कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। 10th, confront your fears and grow। एमिसन का कहना था कि वो काम करें जिस काम से आपको डर लगता है और आपके डर की मौत निश्चित है। लेखक कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने में आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब यह नहीं है कि लेखक आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि तेज गाड़ी चलाना या बंजी जंपिंग करना। यह डर का मतलब अब चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। वह चीजें जो आपको डराते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अपने अंदर आप यह जानते हैं, जीवन में सफल होने के लिए इन चीजों को करना आवश्यक है। 11th, get out there and fail। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, फेलियर इज सिंपली द ऑपरचुनिटी टू बिगिन अगेन दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि हर असफलता दोबारा से और अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी मन चाहे मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ हमें अमेरिकन टीवी होस्ट सैली जेसी रेफिल की रियल स्टोरी बताते हैं। सैली हमेशा से एक टीवी शो होस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और कई बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वह किराए का मकान ले सके, इसलिए वह अपनी गाड़ी में ही सोया करती थी।
पैसे ना होने के कारण वह कभी कभी भोजन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं कर लिया और अंत में वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध टीवी शो होस्ट बन गई। 12th, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। लेखक जेफ केलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप कभी भी यह काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने आसपास दूसरे पॉजिटिव तथा सफल लोगों के नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा दे, और यह तभी संभव है जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हों। दूसरों से अच्छे संबंध बनाने का तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की बात को ध्यान से सुने और उनकी समस्याओं को सुलझाएं। छोटे छोटे उपलब्धियों पर भी लोगों की तारीफ करें और अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, आपको यह समरी कैसी लगी ये कमेंट में बताइए, और अगली कौन से बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें। थैंक यू गाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।